अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यही कोचिंग सेंटर। अच्छा, चैप्टर जो है हमारा यूनिट नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और जो है उसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम जाएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सही है, तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके लिए एक चीज सबसे पहले याद रखनी पड़ती है हमें, कि सबसे पहले हम लोग जो है वो रो को कंसीडर करते हैं। यानी कि बुक में आपने बस लिखा हुआ था m मल्टीप्लाई बाय n, इस तरह से आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा। तो m जो है वो डिनोट करती है रो को, और n जो है वो डिनोट करते हैं कॉलम को। सही है, तो आप m n से ज्यादा अच्छा है कि आप ये याद रखो, r और c याद रखो, r c लिख दो या रो c लिख दो, जो आपका दिल चाहे, क्योंकि r फॉर रो और c फॉर कॉलम। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी कि हमेशा आप पहले रो का ऑर्डर लिखोगे, उसके बाद कॉलम का ऑर्डर लिखोगे। तो उसी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है q, एक मैट्रिक्स है q 5 7 3 2 1 11। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब कोई मुझसे पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी रो काउंट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक और दो, तो मेरे पास यहाँ पे दो रो है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा दो रो। सही है, अब उसके बाद यहाँ कॉलम कितने हैं, वर्टिकल हमेशा कॉलम है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो होती है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कॉलम है, तो मैं लिखूंगा ये 2x3 का मैट्रिक्स है। बीच में आपने ये मल्टीप्लाई लाजमी डाला ताकि आपको पता चले कि 2x3 का मैट्रिक्स है। तो हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने रो लिखनी होती है, उसके बाद आपने कॉलम लिखने होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 3 11 9 2 और -1, अब ये मैट्रिक्स है। कोई मुझसे पूछे कि इसका जो है वो ऑर्डर क्या है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रॉ काउंट करूंगा, 1 2 3, तीन रॉ है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं तीन रॉ है मेरे पास। और कॉलम कितने मेरे पास, 1 2 2 कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 3x2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह सबसे पहले आपने क्या करना है, रॉ जो है वो काउंट करनी है, और उसके बाद कॉलम काउंट करके आप लिख दोगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। तो बुक में पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स भी इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है। तो द ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इट कंटेन्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि जितने नंबर ऑफ रॉस और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स कोई मैट्रिक्स कंटेन करता है, वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n, दिस बाय m बाय n। सही, तो मैं आपको बता चुका हूं कि m बाय n जहां भी लिखा हुआ है, आप समझ जाना यहां पे रॉ और कॉलम की बात हो रही है, यानी कि किस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात हो रही है। वेयर m इज द नंबर ऑफ रॉस एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि m जो है नंबर ऑफ रॉस है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहां पे एग्जांपल भी दी गई है कि हमारे पास जो है वो 2x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि दो रॉ है। अगर आप बुक में देखो पेज नंबर 58 पे, तो दो रो है और तीन कॉलम हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर। अच्छा, मैट्रिक्स की हमारे पास जो है वो काफी सारी टाइप्स हैं, तो जितनी आप मैट्रिक लेवल पर पढ़ाई जाएंगी हम उतनी स्टडी करेंगे, क्योंकि आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे, इंटर में जाओगे, तो आपके पास इससे भी ज्यादा टाइप्स हैं। सही है, तो जितनी हमारे पास इस बुक में दी हुई है वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है वो 19.1 की तरफ मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले जो टाइप्स है हमारे पास, सबसे पहली टाइप हमारे पास मैट्रिक्स की होती है रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर वन टाइप है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कभी भी अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स दिखे जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स भले जितने भी दिए हुए हों, भले 10 हो, 20 हो, 2 हो, 3 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हों, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, हमारे पास क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। तो कभी भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिखे, हम एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने ए, और वो है हमारे पास 5 9 11 -2 और 1। अब ये मैट्रिक्स है मेरे पास, अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है मेरे पास। सही है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बेसिकली इसका ऑर्डर होना चाहिए 1/5। अब 1/5 क्यों होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक रॉ है, सिर्फ एक रॉ, वर्टिकल आपको सिर्फ एक रॉ दिख रही है, सॉरी हॉरिजॉन्टल आपको सिर्फ एक रॉ दिख रही है, और वर्टिकल आपको 5 कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/5। तो ऐसा मैट्रिक्स, कभी भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिखे जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, आपके पास क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स। तो बुक में पढ़ते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ हमारे पास अ मैट्रिक्स हैविंग
वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रॉ हो वो क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स। सही है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, सी ओ एल ओ टू एम, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ थी और कॉलम जितने भी हो सकते थे, हमने क्या कराना था उसका ऑर्डर बनाना था कि रॉ हमारे पास सिंपल वन होनी चाहिए और कॉलम भले जितने भी हो। कॉलम मैट्रिक्स में इसका उलट है कि कॉलम एक होना चाहिए, रॉ भले जितने भी हो। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है बी, हमारे पास 5, 9, 11, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सही है। अब इसमें आप अगर देखो तो वर्टिकल लाइन आपको सिर्फ एक दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है और 1, 2, 3 हमारे पास रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रॉ जितने भी हो, रॉ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स से कंसर्न है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई भी बोल लो पहले आप, उसमें कोई इशू नहीं है। अ मैट्रिक्स विच नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आप इसमें बराबर ना हो, क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम स्टडी करते हैं इसका। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास जो है वो रॉ को मैं डेवलप कर रहा हूँ आर से, वैसे बुक में आपको मिलेगा एम से। सही है। तो आप आर नॉट इक्वल टू सी, यानी कि नंबर ऑफ रॉस कभी भी नंबर ऑफ कॉलम से बराबर नहीं होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। तो आपको इस तरह से लिखा दिखाया होगा बुक में कि एम जो है वो नॉट इक्वल टू एन, यानी कि रॉस नंबर ऑफ रॉस जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कभी भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिखे जिसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इसमें बराबर ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बराबर ना होने का मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस अगर 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम 5 होंगे, 3 होंगे या 1 होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं सी का। तो ये हमारा मैट्रिक्स है 6, 2, 1, 3, 5, 0। अब ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रॉस कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रॉस सिर्फ 2 है, तो ऑर्डर मुझे बनाना है इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ रॉस 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, नंबर ऑफ रॉस 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 है, तो ये मेरे पास 2/3 का मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इसमें इक्वल ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बुक में एग्जांपल उन्होंने दी भी है, एक नंबर वन मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2/1 का मैट्रिक्स है, इनके 2 रो हैं 1 कॉलम है। फिर नंबर बी जो है हमारे पास उसमें 2 रो है 3 कॉलम है, बराबर नहीं है। और नंबर सी जो है हमारे पास उसमें भी हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इसमें बराबर ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स इसका उलट है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इसमें बराबर नहीं थे, राइट। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इसमें बराबर होंगे। अ मैट्रिक्स विच नंबर ऑफ रॉस आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इसमें बराबर हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होने चाहिए, अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम होने चाहिए। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ है, और ये मैट्रिक्स है मेरा 5, 9, 3, 2, 1, 0, 1, 9, -7। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले रॉ काउंट करूंगा 1, 2, 3, 3 रॉ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रॉ। अब कॉलम मुझे 1, 2, 3, तो 3 ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है, आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक और एग्जांपल अगर देखें इसकी, 2, 5, 3, 0, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2/2 का मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स की
बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन आपको जो है वो सारी मिक्स करके देनी है, यानी कि आगे जब लेवल पे जाओगे टाइप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैट्रिक लेवल पे बिल्कुल मिक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है हमारे पास जीरो। अब जीरो या नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका तमाम एलिमेंट जीरो। सपोज करो एक मैट्रिक्स है, वो आप ए ही सपोज कर लो, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं जीरो जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो अनल और जीरो मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स, सही। अच्छा, जीरो और नल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास होती है टाइप नंबर 6, वो है हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स, अब डायगनल क्या होता है? अब डायगनल हम बोलते हैं यानी कि हमारे पास ये लाइन जो है ना, जो क्रॉस, एक क्रॉस बना रहा है हमारे पास, इस तरह जो क्रॉस बनाता है उसको हम डायगनल बोलते हैं। यानी एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 5, 3, 6, तो कोई आपने पूछे इसके डायगनल एलिमेंट्स कौन से? इसके डायगनल एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं 2 और 6, ये दो हमारे पास क्या है? डायगनल एलिमेंट्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जब भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिखे जिसके डायगनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास एफ, सही। अब इसके डायगनल एलिमेंट्स है ना, वो जीरो नहीं होने चाहिए, वो नॉन जीरो होने चाहिए। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल 5, 9, 7, 5 सही है, ये 0 और ये भी 0, 6 और ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अच्छा, अब इसका डायगनल क्या है? कोई आपसे पूछे इसका डायगनल क्या है, आप बोलोगे ये एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इसके डायगनल है। तो इसके अलावा ऐसा मैट्रिक्स, डायगनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो, इज कॉल्ड डायगनल एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगनल। तो हमारे पास जो है वो तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए और जो हमारे पास डायगनल में एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, इस तरह आपको एक एग्जांपल यूं भी देखेगी कि यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर भी जीरो, यानी कि डायगनल में कोई ना कोई एक नॉन जीरो नंबर लाते ही होना चाहिए। यानी कि इस तरह डायगनल में कोई ना कोई एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी तमाम नंबर जीरो डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप नंबर 7 स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उनका सेम होना लाजमी है। यानी कि हम आपके पास जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इस तरह से, वो आपके पास यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। 1 के अलावा 2 हो तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है मेरे पास ई, उसके डायगनल है मेरे पास 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ जो है वो 0, यहाँ 5। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स है इसके डायगनल एलिमेंट हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम, यानी कि अगर यहाँ पे 5 है यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स सेम हो, बिल्कुल सेम होने चाहिए और एक्सेप्ट बाकी जितने भी हो वो 0 होने चाहिए। तो बुक में पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, अ डायगनल मैट्रिक्स इन विच डायगनल एलिमेंट्स आर सेम। तो आपके पास डायगनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसके अलावा तमाम एलिमेंट तमाम जो है जीरो होने चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जब भी आपको दिखे ऐसे सेम तो हो, लेकिन दूसरी चीज हमने ये खास ख्याल रखना है कि 1 नहीं होना चाहिए। अगर तो डायगनल एलिमेंट आपके पास सेम है और 1 है डायगनल में, तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होगा।
तो वन के अलावा अगर सेवन और या अंडर रूट सेवन तो सेम होना चाहिए, लेकिन वन नहीं होना चाहिए। वन के अलावा एक्सेप्ट वन अगर कोई भी नंबर है और तीनों सेम है डायगनल में तो आपके पास वो स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास टाइप है यूनिट। अब यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में कॉमन बेसिक सा डिफरेंस है कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो डायगनल एलिमेंट है स्केलर मैट्रिक्स में वो वन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा सेम कोई भी हो सकता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनल एलिमेंट आपके पास वन होते हैं और बाकी तमाम आपके पास जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टू बाई टू का मैट्रिक्स सपोज करूं तो ये मेरे पास है वन जीरो जीरो वन। अब इसके डायगनल में पूछूं डायगनल क्या है, आप बोलेंगे डायगनल वन है, इसके डायगनल क्यों वन है, ये होता है डायगनल और आपके पास डायगनल एलिमेंट वन है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको यूजुअली डिनोट करते हैं हम लोग आई से, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया आई से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल लो, यूनिट मैट्रिक्स बोल लो, डायगनल एलिमेंट्स आपके पास वन होने चाहिए, बाकी आपके पास जीरो होने चाहिए। अगर मैं एक 3x3 के मैट्रिक्स की एग्जांपल लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट्स के 0 है। ये एक एग्जांपल है जिसकी यूनिट मैट्रिक्स की और या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब बुक में लिखा हुआ है अ डायगनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगनल इज वन, ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगनल इज वन, ईच एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगनल, ईच एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगनल इज वन, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई, तो उसको हमने डिनोट कर दिया आई से। तो ये क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं तो हमने इसको आई से डिनोट किया हुआ। उसके बाद एक मैट्रिक्स होता है हमारे पास ट्रांसपोज है, वो हम लोग पूरे चैप्टर में काफी बार स्टडी करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज का काम है इसमें। अच्छा ट्रांसपोज क्या होता है, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दो या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दो, ऐसा मैट्रिक्स हम बोलते हैं ट्रांसपोज लेना। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है मेरे पास सी ले लो 2 5 3 6, अगर मुझसे बोले कि इसका ट्रांसपोज हो तो उसको मैं ट्रांसपोज किस तरह से लूंगा, मैं क्या करूंगा, या तो उसके नंबर ऑफ रोस नंबर ऑफ कॉलम बना दूंगा या नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोस बना दूंगा। आप चाहो तो ये 2 और 5 रो है, आप इसको कॉलम बना दो, यानी कि इस तरह लिखो ये 3 और 6 है ये रो है, आप चाहो तो उसको कॉलम बना दो। या दूसरा काम आप कर सकते हो कि 2 और 3 आपके पास क्या कॉलम है उसको रो बना दो, ये 5 और 6 कॉलम है उसको रो बना दो, दोनों सिचुएशन में आपके पास आंसर सेम आएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कॉलम को रो बनाऊंगा, तो ये 2 और 3 मेरे पास क्या है, ये 2 और 3 मेरे पास कॉलम है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा उसको रो बना दूंगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह ये 3 5 और 6 मेरे पास यहाँ पे कॉलम है तो मैंने इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा अब मैंने कॉलम को रो बनाया, अब ये 2 और 5 ये रो है और 5, इसी तरह ये 3 और 6 रो है उसको मैं कॉलम बना दूंगा, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या है इसका ट्रांसपोज लिया, मैंने क्या किया इसमें कॉलम को रो बनाया और इसमें रो को कॉलम बनाया, तो दोनों सिचुएशन में आंसर हमारे पास सेम है। तो कभी भी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आए कि आप नंबर ऑफ रोस को नंबर ऑफ कॉलम बना दो या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोस बना दो, वो आपके पास क्या कहलाता है ट्रांसपोज कहलाता है। तो बुक में लिखी हुई डेफिनेशन इसकी है मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करना द रोस इनटू कॉलम्स और द कॉलम इनटू रो, कॉलम को रो बना दो या कॉलम को रो कॉलम बना दो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको हम यूजली डिनोट करते हैं कि आप अगर मैट्रिक्स सी है तो आप क्या लोगे सी का ट्रांसपोज, अगर आप मैट्रिक्स ए होगा तो आप लिखोगे मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज छोटा सा टी बना दोगे। तो हमारे पास ट्रांसपोज समझ आ गया। अच्छा टाइप नंबर 10 है हमारे पास, टाइप नंबर 10 है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की चीज है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले आपको मैंने ट्रांसपोज देना सिखा दिया क्योंकि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में आपको ट्रांसपोज देना होगा, तो अगर आपको ट्रांसपोज देना आता है तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 मिनट में समझ जाओगे। तो टाइप नंबर 10 है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लो और उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि आप जिस ओरिजिनल मैट्रिक्स से ट्रांसपोज
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैट्रिक्स है ए उसका ट्रांसपोज लोगे तब वो इक्वल हो जाएगा ए के, यानी कि जिसका आपने ट्रांसपोज दिया था वो दोबारा बराबर हो गया ए के। ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल उससे एग्जांपल देख लेते हैं। हेलो, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 2 17। हां जी 1 2 17, उसके बाद 2 5 -11, 2 5 -11, और नंबर 3 17 -11, 9 17 -11 और 9। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का मैंने क्या करना है? इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लेना है। जब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूंगा दोबारा मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका मैंने ट्रांसपोज दिया था। अब चेक करते हैं ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना दूंगा। आप चाहो तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना दो, इट्स अप टू यू। सही है, तो 1 2 17 ये मेरे पास क्या है, रो है, उसको मैंने कॉलम बना दिया 1 2 17। 2 5 -11 उसके बाद 17 -11 9 17 -11 और 9। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे दिया। अब अगर आप देखें तो 1 2 17 मैंने इसका ट्रांसपोज दिया है 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 9 17 -11 9, तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स जिसका मैंने ट्रांसपोज दिया था वही फॉर्म हो गया हमारे पास। अगर आपको समझ नहीं आया क्या हम कॉलम से किस तरह बना के देखा तो मैट्रिक्स वही फॉर्म हो रहा है जिसका मैं ट्रांसपोज दे रहा हूं। तो कभी भी ऐसा मैट्रिक्स देखे जिसका ट्रांसपोज हो और वही मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाए, वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद लास्ट टाइप है हमारे पास अब स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स? बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स से आपने ट्रांसपोज दोगे तो वो बराबर होगा माइनस में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था और मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज मिला था, यानी कि अगर माइनस 11 यहां था तो यहां पे माइनस 11 ही था, साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे क्या होगा, इफ जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात करोगे तो आप जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे और वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक्स आ जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी क्या है। 0 3 4 एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसको नाम दिया हुआ इन्होंने ए दिया हुआ 0 3 4 -3 0 7 -4 -7 0। अब ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इस मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो जितने भी साइन है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे किस तरह से, अब ये मैट्रिक्स है इसका मैंने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं रॉ को कॉलम बना दूंगा ट्रांसपोज में। कॉलम को रॉ भी बना सकते हैं, रॉ कॉलम में बना दूं। तो 0 3 4 है रॉ है, 0 3 4 को मैंने कॉलम बना दिया। अब -3 0 7 रॉ थी कॉलम बना दो -3 0 7। इसी तरह -4 -7 0 रॉ है कॉलम बना दो -4 -7 और 0। अच्छा, अब अगर मैं चेक करूं तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ प्लस हो माइनस हो 0 है। उसके बाद ये 3 प्लस का था, जब ट्रांसपोज दिया माइनस 4 प्लस का था माइनस का हो गया ट्रांसपोज देने पे, ये माइनस का 3 था प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गया, ये 0 तो 0 है, ये 7 है प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का 4 था प्लस का हो गया, ये माइनस 7 था प्लस का हो गया और ये 0। तो मेरे पास क्या हुआ, साइन से पे कन्वर्ट हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। अगर इस मैट्रिक्स में मैं माइनस कॉमन लूं, इसी मैट्रिक्स में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या होगा, जीरो जीरो रहेगा, माइनस सेवन था प्लस
प्लस का 4 है माइनस का हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7 हो जाएगा और ये 0। अगर अब मैं चेक करूं तो मुझे जो मैट्रिक्स ए था वो दोबारा मिल गया या नहीं मिला? 0 का 0, 3 का 3, 4 का 4, माइनस 3 माइनस 3, 0 का 0, 7 का 7, माइनस 4 माइनस 4, माइनस 7 माइनस 7 और 0 का 0। तो मेरे पास क्या हुआ, जब मैंने माइनस को मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूंगा तो मुझे नेगेटिव ऑफ ए के बराबर मिलेगा, यानी कि जब मैंने इसका ट्रांसपोज दिया और मैंने नेगेटिव साइन से कॉमन लिया तो दोबारा मुझे अंदर जब भी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स हो कि जब उसका आप ट्रांसपोज लो और वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स से बराबर आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स अगर आता है इसके उसी मैट्रिक्स। तो हमने पूरी जो है वो उसकी 11 टाइम्स पढ़ ली, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 19.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है वो आगे 19.1 और 2 दो एक्सरसाइज हैं, आगे फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।